नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। मैं हूं शायान। आज हम बनाना सीखेंगे इंडोनेशियन कढ़ाई। इंडोनेशियन कढ़ाई बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत है उनमें शामिल हैं चिकन चेस्ट 1 kg, घी 1/2 कप, अदरक का पेस्ट 1 tablespoon, लहसुन का पेस्ट 1 tablespoon, सोया सॉस 4 tablespoon, जीरा 1 tablespoon, काली मिर्च 1 teaspoon, लाल मिर्च 1 teaspoon, गरम मसाला 1 teaspoon, नमक हसबे जायका, दही 1 pao, शहद 4 tablespoon, 7 से 8 अदद कड़ी पत्ते, 1 बड़ी शिमला मिर्च। तरकीब। पहले एक पतीली में 4 tablespoon घी डालकर उसको गर्म कर लें। उसमें लहसुन का पेस्ट 30 सेकंड तक सौते करें। फिर इसी तरह 1 tablespoon अदरक का पेस्ट 30 सेकंड के लिए सौते कर लें। फिर इसमें चिकन शामिल कर लें और उसको अच्छे तरीके से पकाएं। इसके बाद इसमें 4 tablespoon सोया सॉस डालिए और अच्छे तरीके से पकाइए। अब इसमें जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक शामिल करके मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। इसके बाद इसमें दही शामिल करें और अच्छे तरीके से पकाएं। अब इसमें शहद शामिल करें जितना इसमें सोया सॉस ऐड किया था, यानी 4 tablespoon। इसके बाद इसमें कड़ी पत्ते शामिल करें और थोड़ी देर के लिए पकाएं। फिर आप इसमें क्यूब्स कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कीजिए और इतना पकाएं कि शिमला मिर्च नरम न पड़ जाए। इंडोनेशियन कढ़ाई तैयार है। इसको डिश आउट कीजिए और नान, रोटी या शीरमाल के साथ एंजॉय कीजिए। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।